2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी पुराने पेंशन बहाली के लिए देश भर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में भी जिला कलेक्टर चौराहे पर आज 12 फरवरी को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। रेस्टा के जिला अध्यक्ष गोविंद पाटीदार ने बताया कि 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की है, जो बुढ़ापे में साथ देने वाली नहीं है। इसको लेकर सभी 2004 के बाद नियुक्त सभी राजकीय कर्मचारियों में भय का माहौल है। इस दौरान प्रभुलाल भापोर, हरिलाल कटारा, जीतमल पटेल, धीरज सिंह मैड़ा, रमेश चंद्र भापोर, महिपाल भाटिया, मनोज जोशी, आशीष उपाध्याय, अशोक निनामा के साथ साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने में सम्मिलित हुए। गोल्डी गोफन टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। एवं इस एनपीएस से प्रताड़ित 2004 के बाद समस्त मेरे शिक्षक साथियों, इस कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले बाईसी पाटीदार जी, आप सभी का राजस्थान शिक्षा संघ सियाराम क्रांति कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एनपीएस बंद करने के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, मैं यही कहना चाहूंगा कि साथियों, शिक्षक समाज एक राष्ट्र निर्माता के रूप में हमें माना जाता है, परंतु आज हमें इस रोड पर बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, इसके दोषी कहीं न कहीं हम सब हैं, क्योंकि हमारे भी आपसी में फूट है। अगर हमारे अंदर एकता नहीं हुई तो आज एनपीएस बंद हो गया, और आने वाले समय में ये नेता लोग और कहां से क्या करेंगे उसकी कोई मालूम नहीं है। एक ऐसा कारवा निकाला है, बड़ी दुख की बात है कि बांसवाड़ा जिले में 2004 के बाद कितने लोग मृत्यु हुए हैं। बड़ा दुख हो रहा है भाइयों, जो हमारे बात कर रखे हैं उनकी ये पेंशन बंद कर दी, वो बहुत ही गलत ऐसा कारवा चला है। और एक ऐसा रहना बांसवाड़ा सबसे सबको आगाह कर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस मंच से जितने भी संगठन है, जितने भी संगठनों ने यहाँ आकर के हमें समर्थन दिया है, उन सबका बहुत बहुत आभार। ये मंच आपका ही है, आप लोगों को ही आगे आकर के इसकी रणनीति को तैयार करना है। गोपाल जी मेहता, सॉरी दीपक जी मेहता, जो प्रबोधक संघ से है, उन्हें बुलाना। किस संबंध में धरना दिया गया है? ये धरना सर देश भर में चल रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड स्कीम के विरोध में, मतलब नेशनल मूवमेंट चल रहा है ये हमारा, कि हम सभी 2004 के बाद जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन सभी को पुरानी पेंशन के तहत जो लाभ मिल रहे थे वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम 2004 के बाद सभी कर्मचारी, भले वो किसी भी संवर्ग का हो, किसी भी विभाग का हो, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पुरानी पेंशन स्कीम 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को जिस तरह के फ़ायदे पुरानी पेंशन के तहत मिलते थे उसी तरह के फ़ायदे हमें मिलने चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि न्यू पेंशन स्कीम को हटा करके वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और हम सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिले। हम आज जिला स्तर पर, जिला मुख्यालय पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में हर जिले में जहां पर भी एनपीएस से पीड़ित या एनपीएस की वजह से जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहाँ हर जिले के अंदर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसे आगे का नेतृत्व तो जिस तरह से हमें दिशा निर्देश देते हैं, वैसे हम इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और हमारी रणनीति आगे से तैयार होकर जाती है। आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आप क्या? तो आगे की जो हमारी कमेटी है, जो हमारा नेशनल मूवमेंट को जो लीड कर रहे हैं सरफराज हुसैन, उनकी जो जिस तरह के दिशा निर्देश रहेंगे उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे हम लोग अभी यहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर के नहीं, जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड ये है कि हम कर्मचारियों के लिए भी उसी तरह की पेंशन हो 2004 के बाद जो नियुक्त हैं, जिस तरह की नेताओं की पेंशन स्कीम होती है। क्योंकि सभी कर्मचारियों की मानसिकता ये है कि जब 5 वर्ष तक एक जनप्रतिनिधि, एक नेता अपने काम को, अपने कार्यकाल को ख़त्म करने के बाद ओल्ड पेंशन के तहत अपने फ़ायदे लेता है, तो हम कर्मचारियों को पूरा अधिकार बनता है, हमारा हक बनता है कि हम भी हमारी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत हमें जो भी फ़ायदा मिल रहे हैं वो हम प्राप्त करें। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपनी वस्तु स्थिति है, अपने नियमों में जिस तरह के बदलाव करना चाहें उस तरह के बदलाव करते हुए हम सभी को लाभ प्रदान करें और वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हो।